आपको भी सेलेक्ट करते हुए आती है। तो, तो चलिए चलते अपनी वीडियो की तरफ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए तो सबसे पहली शॉर्टकट की है जैसा की आप डेटा देख सकते हैं यहाँ पे हमने मिडल में कर्जर रखा है और अब हमें अपने डेटा के टॉप सेल पे जाना है तो टॉप सेल पे जाने के लिए आपको क्या करना है अपनी कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और होम की प्रेस करनी है जैसे ही आप कंट्रोल होम की प्रेस करेंगे आप अपने डेटा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे नाउ द सेकंड शॉर्टकट की इज अगर आप अपने डेटा की स्टार्टिंग में हैं और अपने लास्ट सेल पे जाना है अपने डेटा के तो आपको क्या प्रेस करना है कंट्रोल डाउन जैसे ही आप कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे आप अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो की आपका लास्ट सेल एडिट है अगर आपको वहीं ऊपर टॉप पे जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल अप की अप की से आप उसी कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अब अगर क्विकली हमें अपने डेटा वाला एरिया ही सेलेक्ट करना है तो हमें प्रेस करना है कंट्रोल ए अगर आप कंट्रोल ए डेटा के बाहर रखते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी एक्सेल शीट को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेगा तो इसीलिए आपको बड़ा ध्यान से अपने डेटा के अंदर कर्जर रखना है तभी आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है अब now, है अब नाउ नेक्स्ट चैलेंज क्या मुझे अपने A5 से कर, अपने सेल नंबर से लेकर एंड पॉइंट तक का डेटा क्विकली सेलेक्ट करना है तो हमें क्या करना है हमें कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज का यूज करना है एरो कीज क्या करता है आपके किसी भी रीजन में आप अपने कर्जर से सिलेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ और राइट एरो की प्रेस कर रही हूं अब देख सकते हैं आप सबसे पहले राइट एरो की ने क्या किया राइट वर्ड सेलेक्शन ले लिया पूरा एंड तक इसी तरीके से अब मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर रही हूं तो डाउन एरो की क्या करेगा आपके नीचे तक का सिलेक्शन ले लिया जो कि आपका एंड पॉइंट तक का है तो इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ एरो कीज को इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन का आपका सिलेक्शन हो रहा है नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट अब कई बार क्या होता है हमारे डेटा में ब्लैंक्स हैं और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो की का यूज करती हूं तो वो देखेंगे ब्लैंक पे ही आके स्टॉप हो जाएगा और आपको बार 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 इस तरीके से सिलेक्शन इंक्रीज करना पड़ रहा है शॉर्टकट की से तो विच इज लाइक अ वेरी टाइम टेकन टास्क तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोगों के पास दो ऑप्शन अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन बताने जा रही हूं आपको क्या करना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कर्जा रखना है F8 प्रेस करना है F8 क्या करेगा आपके सिलेक्शन को होल्ड करके लॉक कर देगा और अब आपने अपने डेटा के एंड पे जाना है और इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है आप देख सकते हैं मेरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया स्टार्टिंग पॉइंट पे एफ एट को प्रेस कर दिया और आप जितने रीजन को सेलेक्ट करना चाहते हैं एफ एट उतने रीजन को सेलेक्ट कर देगा नाउ अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की सेकेंड ऑप्शन क्या करने वाला है सेकेंड ऑप्शन में सपोज कीजिए हमने अपने डेटा के किसी मिडिल सेल पे कर्जा रखा और अब मुझे अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक सेलेक्ट करना है तो उस केस में हमें क्या करना है हमें कंट्रोल शिफ्ट और होम की का यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट होम की क्या करेगा जो भी आपका एंडिंग पॉइंट है और आपके स्टार्टिंग पॉइंट तक का डेटा आपको क्विकली सेलेक्ट करके दे देगा होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा